सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही आभार व्यक्त करने के लिए और मैं भी मेरी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है उसमें सरकार की योजनाएं, सरकार देश के तमाम लोगों के लिए 125 करोड़ लोगों के लिए क्या करने वाली है पांच साल में, इसके संबंध में मतलब कुछ मुद्दे इस अभिभाषण में है। और एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है जो संजय राउत जी ने भी बताया कि सबका साथ सबका विकास। सरकार का ये कहना है कि भाई सबका साथ सबका विकास, तुम्हारे घर में आएगा अच्छे दिन का प्रकाश। सबका साथ सबका विकास, तुम्हारे घर में आएगा अच्छे दिन का प्रकाश। नरेंद्र मोदी ने छीन लिया है कांग्रेस के, कांग्रेस से सत्ता का आकाश। नरेंद्र मोदी ने छीन लिया है कांग्रेस से सत्ता का आकाश और इसलिए जरूर होगा इधर के और इधर के लोगों का विकास। तो मतलब विकास करने के लिए सरकार आई है। मुझे लगता है कि भाई झगड़ा करने का ये हौस नहीं है। झगड़ा करना है तो झगड़ा भारत छोड़कर उधर जाओ, पाकिस्तान में जाओ झगड़ा करने के लिए, या जरूर अपने को अपने विचारधारा रखने का अधिकार है। और ये देश चल रहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का, इसका मतलब हिंदुओं पर अन्याय नहीं, मुसलमानों पर अन्याय नहीं, ईसाई लोगों पर अन्याय नहीं, बुद्धिस्ट लोगों पर अन्याय नहीं। और कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बताया सबका साथ सबका विकास का मतलब ये है कि देश में जो लोग आज है वो सभी लोगों को न्याय देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार काम करने वाली है। और कोई बाहर बोलते होंगे लेकिन सरकार की भूमिका इतना नहीं है। मैं सरकार के साथ इसलिए होगी, मुझे सरकारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए संविधान में कोई भी बदल नहीं होगा। ये संविधान के मुताबिक देश चलेगा, हमारी सरकार चलेगी, इसीलिए मैं इनके साथ हूँ, इसीलिए शिवसेना भी आपके साथ है। और मतलब सबका साथ है तो हमारा भी साथ है, तो मतलब नहीं नहीं, तो इसीलिए कहने मतलब ये है कि, तो इसीलिए जो मुद्दे अभी मेरा कहना इतना है कि गरीबी पर बहुत बातें होती है लेकिन आज भी गांव गांव में लोग भूखे मरते हैं, भूखे रहते हैं। तो भूखे लोगों को पेट भर खाना देने के संबंध में हम लोगों ने चर्चा करनी चाहिए। गांव गांव में महात्मा गांधी जी ने तो अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए बताया, कांग्रेस वालों को बताया, कांग्रेस वाले खाली खादी टोपी डालते थे और गांव गांव में इनके पास ग्राम पंचायत थी, इनके पास जिला पंचायत थी, तालुका पंचायत थी, असेंबली थी, पूरा सरकार इनके पास था, लेकिन गांव की अनटचेबिलिटी खत्म करने का काम नहीं किया है। थैंक यू रामदास। नहीं नहीं अभी थैंक यू क्या, अभी क्या आपका मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता है धन्यवाद भी तो मैं उसका तो राजीव शुक्ला जी प्लीज। हाँ तो इसीलिए मतलब मेरा कहना यह है कि एक मिनट शुक्ला जी, अरे नहीं नहीं मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो इसीलिए मेरा निवेदन इतना है कि मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के लिए हिंदू मिल की 12.5 एकड़ जमीन केंद्र सरकार ने ले ली है। पहले सरकार का भी निर्णय, अभी के सरकार ने भी, लंदन में बाबा साहब का एक वो रहते थे, वो एक मकान था, बंगला था, उसको 45 करोड़ में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की परमिशन से खरीद लिया है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक हिंदू मिल का है, उसमें 400 करोड़ रुपए लगने वाले है। तो अभी खाली बिल आना बाकी है यहाँ, तो ये बिल को अगर ये मतलब महीने में इसी सेशन में लाते है तो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के दिन नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इसका अगर इनॉग्रेशन होता है तो पूरे देश भर में एक अच्छा वातावरण हो सकता है। इसलिए गरीबी हटाने का नारा खाली देने से काम नहीं चलेगा, गरीबों को ताकत देने के लिए नरेंद्र मोदी सत्ता पर आए हैं और इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर काम करना है। जो बोलना है वो बोलते रहो प्लीज, लेकिन यहाँ की सरकार सबकी सरकार है और इसीलिए मतलब हम आपके सरकार के साथ है, इसीलिए तो दलितों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए और इसीलिए आप भी मुझे न्याय दीजिए। मतलब आप और आप भी मेरे ऊपर अन्याय करेंगे तो मुझे मकान भी नहीं मिला अभी तक। आपको मकान भी मिलेगा और नहीं ठीक है, तो अभी मेरी पार्टी छोटी है लेकिन कल बड़ी होगी, तो इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए मैं इस का समर्थन करता हूँ और मेरी पार्टी सरकार के साथ है। और झोपड़पट्टी के संरक्षण के लिए एक स्लम प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, एक हमारी मांग है। झोपड़पट्टी को संरक्षण देना चाहिए, पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक है और उनको न्याय देने की आवश्यकता है। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।